Today we will see the relationship between price elasticity of demand and total expenditure. We have seen price elasticity of demand in detail, and today we will see the total expenditure method also and its relationship between price elasticity of demand. See here, Professor Marshall works out a relationship between price elasticity of demand and total expenditure. He estimates the degree of price elasticity of demand depending on the change in total expenditure caused by change in own price of the commodity. It means मतलब प्रोफेसर मार्शल जो थे उन्होंने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और टोटल एक्सपेंडिचर में रिलेशनशिप बताई है. देर आर थ्री केसेस ऑफ फॉर शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर विद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सी फर्स्ट केस नंबर वन. इन द केस नंबर वन इफ़ द प्राइस इंक्रीजेज फ्राम 20 to 30 रुपीज़. अगर प्राइस इंक्रीज होता है 20 से 30 रुपीज़ तो जो डिमांड है वो 50 से 30 में डिक्रीज़ हो जाती है. ठीक है, डिमांड कम हो जाती है. एंड टोटल एक्सपेंडिचर का निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी. अब प्राइस हमारे पास क्या है 20 एंड हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या है. क्वांटिटी डिमांडेड इज़ 50. तो 50 मल्टीप्लाई 20 इज़ इक्वल टू 1000 रुपीज़. तो 1000 रुपीज़ टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है हमारा. एंड फिर हम 30 और 30 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 900 इट कम्स डाउन. 1000 से 900 कम आ गया है. तो देर इज़ अ अगर हम प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर को देखें तो इन दोनों को देखने के बाद हम इस डिसीजन पे पहुँचते हैं. देर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर. सो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड एक्सपेंडिचर इज़ इनवर्स. ओके, ईडी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन वन. जब भी ये सिचुएशन आएगी तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा ग्रेटर देन वन होगी. ठीक है. नाउ इन द केस टू इफ़ द प्राइस इंक्रीज़ फ्रॉम रुपीज़ ट्वेंटी टू थर्टी. जब प्राइस इंक्रीज होता है तो हमारी जो डिमांड है 50 से 40 कम आ जाती है. ठीक है. एंड बट क्या होता है टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है 20 मल्टीप्लाई 50 1000 हो गया. ओके, एंड 30 मल्टीप्लाई 40 1200. तो हमारा एक्सपेंडिचर क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया. ठीक है, प्राइस और एक्सपेंडिचर दोनों ही इंक्रीज़ हो रहे हैं. देर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर. सो ईडी इज़ ऑलवेज लेस देन वन. अब ईडी क्या होगी, ऑलवेज लेस देन वन होगी. मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन वन इन द सेकेंड केस. नाउ वी विल सी द थर्ड केस. इन द थर्ड केस if the price of a commodity increase from 20 to 30 में increase हो जाती है और demand भी 30 से 20 हो जाती है, कम हो जाती है, तो जो total expenditure है वो क्या होगा, 20 multiply 30 क्या होगा, that will also be 600. and इफ वी मल्टीप्लाई 30 इंटू दैट इज़ ऑल्सो 600. तो दोनों 600 आ जाएगा, लेवल एकदम सेम होगा. हेयर देर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ऑलवेज इक्वल टू वन. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, हमेशा इक्वल्स टू वन होगी. सो देर इज़ अ रिलेशन, दीज आर द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर. टुडे वी विल सी द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके एक्सप्लेन करते हैं. कैलकुलेट द सी द फर्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ प्राइस इज रुपीज़ 4 to 6. इफ प्राइस इंक्रीजेज फ्राम 4 to 6 टोटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेज फ्राम 40 to 50. टोटल एक्सपेंडिचर 40 से 50 इंक्रीज होगा. जब भी दोनों इंक्रीज होते हैं प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर, तो क्या रिलेशनशिप होती है इनकी, डायरेक्ट रिलेशनशिप. सो वी शुड राइट द सॉल्यूशन. इन दिस केस द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर इज डायरेक्ट. सो ईडी इज लेस देन वन. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन. इफ क्वेश्चन टू, जैसे
क्वेश्चन वन टाइप हमने कर लिया, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. एंड क्वेश्चन टू टाइप इज व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड राइजेज फ्रॉम रुपीज़ 5 टू रुपीज़ 6 पर यूनिट्स, इट्स डिमांड फॉल्स फ्रॉम 20 यूनिट्स टू 10 यूनिट्स. जब प्राइस 55 से 6 पर यूनिट इंक्रीज होगा तो जो डिमांड है 20 से 10 डिक्रीज हो जाएगी. कंपेयर एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द गुड्स टू डिटरमाइन वेदर द डिमांड इज इलास्टिक और इन. हमने ये पता लगाना है कि डिमांड इलास्टिक है या इन इलास्टिक है. तो सी हियर when the price increases from 5 to 6 demand also decrease demand decreases 20 to 10. तो इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप हो गई. ऐसे ही अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 2 10 तो 100 टोटल एक्सपेंडिचर एंड 60 वो 100 से लेस आ जाएगा, मीन्स कम आ जाएगा. सो देर इज़ अ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इन इलास्टिसिटी और डिमांड. वेन एवर देर इज़ अ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन दोज तो देर विल बी अ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1 होती है इस केस में. नाउ सी द क्वेश्चन थर्ड. अ कंज्यूमर बाय 10 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट अ प्राइज ऑफ रुपीज 6 पर यूनिट. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ -1. एट वॉट प्राइज विल ही बाई 12 यूनिट्स. कौन से प्राइस पे वो 12 यूनिट्स परचेज करेगा. यूज़ एक्सपेंडिचर अप्रोच. अब एक्सपेंडिचर अप्रोच अगर हम यूज़ करते हैं तो प्राइस 6 है, डिमांड हमारी 10 है, ठीक है. एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, -1. तो इट इज़ अ यूनिटरी. तो टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला था पी इंटू क्यू. तो टोटल एक्सपेंडिचर हमें दी हुई है 60, ओके. एंड प्राइज इज प्राइज हमें नहीं दिया हुआ, क्वान्टिटी इज गिवन 12. सो वी शुड कैलकुलेट द प्राइज बाई डिवाइडिंग इट एंड वी गॉट द प्राइज 5. इन द केस ऑफ रुपीज़ 5 पर यूनिट अ कंज्यूमर कैन बाय 12 यूनिट. दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके. नाउ वी विल सी द डायग्राम ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को अगर हम डायग्राम में ड्रॉ करें तो इट इज़ ऑल्सो शोन एज. See here we have divided into three parts. ED is greater than 1. जब ED greater than 1 होगी तो जो price और expenditure में inverse relationship होती है होगी, तो जो हमारा curve है वो downward slope में आएगा, ठीक है. और जब वो ED is equal to 1 होगी, मतलब there is a no relationship between, कोई रिलेशनशिप नहीं होगी, तो वो स्ट्रेट बन जाएगा हमारा डिमांड कर्व. एंड आफ्टर दैट इफ़ ED इज़ लेस देन 1 तो इट्स द स्लोप्स कम डाउनवर्ड. सो दिस इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन बोथ. सो दिस इज़ द टाइप ऑफ, दिस इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड डायग्राम. सो आवर लेक्चर हैज़ कम्प्लीटेड हेयर. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.